नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। दहेज नहीं देने पर अप्राकृतिक संबंध, पति ने की जबरदस्ती, जेठ ने किया दुष्कर्म का प्रयास। छत्तीसगढ़ से बालाघाट भागकर महिला ने बचाई जान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मध्य प्रदेश की एक महिला से दहेज प्रताड़ना का वीभत्स चेहरा सामने आया है। लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित तो किया गया, साथ ही उसके पति ने अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ जेठ ने भी महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि ससुराल वालों की इच्छा के मुताबिक उसका परिवार दहेज नहीं दे सका था। फिलहाल युवती ने सुपैला थाना में FIR दर्ज कराई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के बालाघाट की रहने वाली लड़की की शादी साल 2019 कोहका विवेकानंद कॉलोनी में हुई थी। शादी के बाद जब वो ससुराल आए तो कुछ समय तक तो सब ठीक रहा। उसके बाद उसके सास, ससुर, जेठ और पति सभी लोग दहेज कम लाने को लेकर ताने मारने लगे। पति आए दिन दहेज लाने के लिए उससे झगड़ा करने लगा। पिता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो और अधिक दहेज दे सके। दहेज उत्पीड़न का केस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। लड़की के पिता ने शादी में 2.5 लाख रुपए नकद और दहेज का सामान दिया था। जब ससुराल के लोग अधिक परेशान करने लगे तो पिता ने 37,000 रुपए अलग से दिया और अधिक दहेज न दे पाने के लिए अनुरोध भी किया। इसके बाद भी ससुराल वाले नहीं माने और प्रताड़ित करने का सिलसिला बढ़ता चला गया। लड़की ने इसका विरोध किया। उसने पिता से अधिक दहेज मांगने से मना कर दिया। आरोप है कि इसके बाद पति और जेठ ने यातना की हदें पार कर दी। पिछले कुछ महीनों से उसका पति आए दिन उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता। जब पति बाहर जाता तो जेठ उसके साथ छेड़छाड़ करता और जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था। इन सब प्रताड़ना के बाद युवती अपने मायके चली गई और उसने मामले की शिकायत बालाघाट थाने में दर्ज कराई। वहां से 0 रिपोर्ट आने पर सुपैला पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।